तो हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। एक छोटा सा नॉर्मल सा व्लॉग है। आज है एक्चुअली, आप देख रहे हो 11th November, एंड आज मैं गाड़ी लेके ऑलमोस्ट एक महीने नहीं 10-15 दिन के बाद निकला हूँ। और कुछ चीज़ मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया है, एक आर्मरेस्ट, ये एक क्यूबो का प्रो डैश कैम, इधर है बॉक्स उसका, ठीक है। और ये आर्मरेस्ट मैंने लगाया, उसका भी बॉक्स इधर है। एक्चुअली गाड़ी सेकेंड सर्विस के बाद 100 to 150 किलोमीटर्स चला है, सो गाड़ी इसके लिए एकदम ठीक ठाक कंडीशन पे ही है, मतलब क्लीन है। और एक चीज़ मैंने लिया है, ये मतलब टायर से जो स्टोन चिप है वो निकलने के लिए, 250 to 300 के आसपास होगा ये प्राइस इसका। तो या ये दो तीन चीज़ है एक्चुअली मैंने लिया है, और एक दो छोटा छोटा कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा। और मैंने ये 3 वीडियो ऑलरेडी मतलब करा हूँ, एक आर्मरेस्ट के लिए, एक डैश कैम के लिए, एक और वो जो एक टायर में जो स्टोन रिमूवर कर लिए था तो उसके लिए। और भी मैं 2-3-4 छोटा छोटा शॉर्ट्स बनाऊंगा। तो यही है अभी के लिए प्लान, सो लेट्स सी। तो अभी मैंने यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ, और गाड़ी में अभी मैं नाइट्रोजन डालूँगा, क्योंकि मैंने लाइक सितंबर या अक्टूबर में मैंने नाइट्रोजन डाला था, तो उसके लिए अभी एक बार मैंने नाइट्रोजन डाल के देखूँगा कितना क्या प्रेशर है क्या नहीं। आई थिंक एक बार में कट जाएगा। हाँ चलो कट गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने सेकेंड सर्विस किया हूँ कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने के पहले, तो मैंने तो सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली जो टीसी मोटर्स का सर्विस है एंड सर्विस का जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ यूट्यूबर बोल रहा है जो हाँ टाटा का सर्विस सेंटर ठीक ठाक नहीं है, तो मुझको यही लगता है क्या, अगर मतलब आप टाटा का कोई भी गाड़ी कंसीडर कर रहे हो तो अगर आप पहले आप देख लो आपका सिटी में या आपका एरिया में टाटा का सर्विस सेंटर और टाटा का सर्विस का फीडबैक कैसा है, उसके बाद ही आप टाटा पे जाओ। नहीं तो मतलब टाटा का सर्विस नेटवर्क उतना भी अभी तक के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर है और सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है ये सर्विस सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। मतलब जैसे मेरे यहाँ टीसी मोटर्स का एक्चुअली सर्विस सेंटर मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। मतलब वो लोग जो कस्टमर का फीडबैक है ना, वहाँ पर जो 1 to 10 स्टार होता है, अगर मैंने 8 नंबर जो स्टार है वो अगर दे दिया तो क्यों सा ये क्यों दिया, क्या दिक्कत है क्या नहीं, मतलब वो लोग आपसे एटलीस्ट 9 स्टार तो लेके ही रहेगा। मतलब ऐसे ही है, मतलब अगर मैं 8 स्टार दे दिया तो क्यों दिया सर, क्या प्रॉब्लम है आप बोलिए, ऐसे करके तो ठीक है। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ मैं एक्चुअली। हाँ आप ये बोल सकते हो मेरा गाड़ी उतना चला भी नहीं, 4000 भी अभी तक नहीं हुआ, उतना काम भी नहीं आया गाड़ी में, बट हाँ इनिशियली जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे एरिया एक्चुअली कोलकाता पे जो टीसी मोटर्स का सर्विस है। बट हाँ सर्विस सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। मैंने एक देख रहा था एक टाटा 500 का ही एक्चुअली वीडियो में, वो लोग वो एक्चुअली गाड़ी छोड़ के गया था सर्विस सेंटर पे, बट उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी कुछ ज़्यादा चल गया था तो ऐसे कुछ, और ठीक ठाक से वॉश भी करके नहीं दिया था गाड़ी, ये सब मैंने देखा। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप टाटा का कोई भी गाड़ी कंसिडर कर रहे हो तो पहले आप देख लो जे आपके उधर सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बाद ही आप टाटा के ऊपर जाओ। तो यही एक बात था। एंड अनदर वन थिंग, मतलब अगर आप विलेज साइड से बिलोंग करते हो तो उसमें भी टाटा में अगर आप जाओगे तो विलेज साइड पे, अगर कोई भी मेट्रो सिटी से अगर आप विलेज साइड पे जाओगे तो उतना टाटा का नेटवर्क जो है सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार गया था कुछ दिन पहले एक जयराम बाटी जो कोलकाता से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, तो उधर एक
आदमी मुझको मिला था, वो आके देखा मेरा गाड़ी पंच, बोला हाँ पंच मुझको भी लेना है, बट मैं क्योंकि इसलिए ले नहीं पाऊंगा, इधर कोई सर्विस सेंटर नहीं है, अगर कोई भी काम करना पड़ेगा तो मुझको कोलकाता जाना ही पड़ेगा, जो मेरे यहाँ से ऑलमोस्ट 120-150 किलोमीटर के आसपास है। तो ये चीज़ है ना, तो अगर आप विलेज साइड से बिलोंग करते हो तो दिक्कत तो होगा। तो यही बात है, देखो टूंग टांग करके आवाज कर रहा है ये डैश कैम, क्यों एक्चुअली मालूम नहीं, मुझको एक बार सेटिंग जाके इसका सेटिंग्स देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो अभी मैं दिल्ली रोड पे हूँ और जो ये नॉर्मल सा व्लॉग है मैं अभी यही एंड कर दूंगा। सो कुछ दिन बाद एक मॉडिफिकेशन आएगा गाड़ी में, गाड़ी का लुक्स पे, सो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्या मॉडिफिकेशन है। ऑलमोस्ट उसका कॉस्टिंग 5000 के आसपास आएगा, तो लेट्स सी कैसे लग रहा है वो मॉडिफिकेशन। एंड अभी मैं जाऊंगा नाइट्रोजन डाल के घर चला जाऊंगा। सो यही है, और जो मैंने बोला था जो फॉग लैम्प क्रोम गार्निश, ये चीज़ जो लास्ट सर्विस से जाके मैंने लगाया था, जिसका बिल जो डिलीवरी के टाइम पे ही मतलब और उन लोगों ने काट दिया था, लेकिन ये चीज़ दिया नहीं था मुझको, तो ये चीज़ मैंने लिया था, तो उतना कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं था, उस लोगों को जाके बोला, उसका बिल लिखाया और लोगों ने लगा के दे दिया। तो ये ठीक ठाक है चीज़ है, इधर भी आपको क्रोम मिलता है, लेकिन वो सब चीज़ मुझको मतलब लगता है ये सब चीज़ लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा एक दो क्रोम का चीज़ आप लगाओ तो ठीक है। एक्चुअली ये सब चीज़ जो है ये आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है, हाँ टाटा का जेन्युइन पार्ट्स है, लेकिन उसके मुताबिक भी ये एक्चुअली मतलब कंपनी फिटेड जो क्रोम है वो नहीं है। सो टाइम के टाइम ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब रेट सा हो जाएगा। सो यही एक बात है। सो मैं अभी इधर ही व्लॉग एंड करता हूँ। सो दिस इज़ फॉर अ स्मॉल व्लॉग फॉर दैट थिंग। या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।